जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और नया दिन नया व्लॉग, सुबह के बजे 11 और इस टाइम हमारी हुई है सुबह। खैर मेरी तो इस टाइम हुई है, लेकिन हस्बैंड की हो गई थी सुबह ही सुबह। मेरे हस्बैंड ने आज बहुत अच्छा काम किया है, सुबह ही सुबह मशीन लगा ली। तो क्या नाचो मैं? वैसे भी करते ही हैं। आज सुबह ही सुबह मेरा काम आसान कर दिया, उन्होंने लगा लिया वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। जब मैं सो के उठी तो मैं तो हैरान ही रह गई कि मेरे आधे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मेरे कपड़े धो दिए, मतलब हम सब के कपड़े धो दिए। तो अभी तो मैं उनको नहीं दिखा सकती बैक कैमरा करके, तो वो कपड़े धो रहे हैं, तकरीबन धुल चुके हैं। मैंने कहा आप थोड़े धो लें, बाकी मैं धो लूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं धो दूँगा, तुम नाश्ता बनाओ। तो अपने बनाने लगी हूँ नाश्ता, परांठे। और परांठे के साथ क्या है आज नाश्ते में, ये मैं आपको नाश्ते में ही दिखाऊँगी। A few moments later. नाश्ता आ गया भाई। नाश्ते में आज है हलीम और गर्मा गर्म पराठे, तो हम नाश्ता करते हैं अब। जबरदस्त कराची हलीम की बात ही कुछ और है, बेहतरीन हलीम है। थोड़ा नाश्ता करके मिलते हैं। जी व्यूअर्स, गुड इवनिंग। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और इस टाइम हम सो के उठे हैं, फ्रेश व्रेश हो गए हैं। तो सुबह नाश्ता करने के बाद हमने सारे कपड़े वॉश करे, हम दोनों ने, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने कपड़े साथ वॉश करे, साथ काम कराया उन्होंने मेरे, सफाई वगैरह मैंने सब कर ली थी। उसके बाद फ्रेश हो गए थे, फ्रेश होने के बाद थकान इतनी हो गई थी, फिर हम सो गए। तो रूटीन शेयर नहीं कर पाए क्या क्या हमने किया। तो अभी हम उठे हैं 5 बजे, फ्रेश वगैरह हो गए, अब हम जा रहे हैं बाहर। हमारा एक प्लॉट है तो हम वहाँ पे चक्कर लगाने जा रहे हैं। हम 15-20 दिन में चक्कर लगा लेते हैं अपना, वहाँ से आके आपसे मिलते हैं। हम लोग आ गए थे प्लॉट पे, से हो गए प्लॉट पे, देखा हमने सारा अपना, घूम फिर के वहाँ से आ गए। फिर रास्ते से हमने कचौरियाँ ली शाम के लिए, कचौरियाँ वगैरह खाई चाय के साथ। और अब हो गए 8:30। तो ये बना रही थी तुरई, मुझे पसंद नहीं है तुरई ना, इन्हें कोई भी सब्जी पसंद नहीं। तो मैंने इन्हें बोला कि चलो आओ बाहर से कुछ खा पी के आते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी बाहर कुछ खाने पीने, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे बाहर। हमारी तरफ से अल्लाह राजी बिरयानी, तंदूर चौक की मशहूर बिरयानी है, जो हम अभी वहाँ जाएंगे खाने के लिए। हाँ, तो वहाँ जाके हम बिरयानी खाते हैं। तो आज हम फर्स्ट टाइम खाएंगे आज, तो हम आपको आज रिव्यू देंगे वहाँ का कि कैसी बिरयानी है। The next day. तो है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग, तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं से स्टार्ट। दिन के बज गए 2:30, लेकिन सुबह तो मेरी हो गई थी 1:30 बजे। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर जल्दी जल्दी मैंने सफाई करी। सफाई तो मेरी तकरीबन हो चुकी है, किचन की क्लीनिंग वगैरह, बेडरूम की सफाई सब हो गई है। और आज मैं क्या करूँगी ये आपको मैं शेयर करूँगी। और कल का व्लॉग मेरा आज की वीडियो के साथ अटैच होगा। वो क्यों? वो यूँ के कल की जो रूटीन थी वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, जो हमने किया वो सब कुछ हमने क्लिप कर लिया था, मतलब जो हमने सब किया दोपहर में, दिन में, शाम में, तो वो अपलोड नहीं कर सकी वो इस वजह से, क्योंकि लास्ट हमारी वीडियो होगी। हम जा रहे थे अल्लाह राजी बिरयानी खाने, तो वहाँ गए तो वहाँ कुछ यूँ सीन था, उनकी कोई और दूसरी ब्रांच नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे इतना कोई रश था, इतना रश था मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बे इंतहा का रश था। तो हम वहाँ तकरीबन 15 से 10 मिनट वेटिंग पर बैठे, वहाँ कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे तो वहाँ ना कोई वेटर आ रहा ऑर्डर लेने। हम जा भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप इंतज़ार करें थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ सारी टेबल्स ना फुल थी और इतना बड़ा कुछ था भी नहीं, बाहर आदमी बैठे हुए थे, इतने आदमी बैठे थे, फैमिली तो कोई थी नहीं, अंदर फैमिली बैठी हुई थी। तो उसका इतना सिस्टम छोटा सा था, मतलब रूम इतना छोटा था, वहाँ पे 6-7 टेबल थी। तो हम वेटिंग पे बैठे हुए थे, तो वेटिंग पे बैठने के बाद इतना हफ्स था वहाँ पे। तो हम फिर भाई हमने सोचा आज की हमारी प्लानिंग कैंसिल है, अल्लाह राजी खाने की बिरयानी, तो हम फिर किसी दिन खाएंगे। तो फिर हम वहाँ से आ गए, तो फिर हम अपने घर वापसी आ गए थे। तो दिल्ली की हमारा वीडियो बनाने का, तो फिर हम आ गए अपने घर। मैं खाना बनाने लगी थी
तो हस्बैंड ने मना कर दिया, भाई मैं बनाने लगी थी तोरई, तो हस्बैंड ने कहा भाई मैं तोरई नहीं खाऊंगा, संडे वाले दिन कौन तोरई बनाता है। तो फिर हम घर लेके आए 2 अदद अंडे, तो हमने वो फ्राई करे घर लाके, हमारी किस्मत में संडे वाले दिन 2 अंडे थे। उसके बाद फिर मैंने अंडे फ्राई करे, तो फिर हस्बैंड मेरे बाहर से रोटियां और कोल्ड ड्रिंक साथ ही आए थे, वो हमने रात के खाने में एंजॉय करी। फिर उसके बाद वीडियो बनाने का दिल ही नहीं किया, इतनी गर्मी थी। उसके बाद फिर हम सो गए, पहले हम 11:30 बजे ही इस रात में सो गए थे। फर्स्ट टाइम मैं इतनी जल्दी सोई हूँ कि मुझे खुद को हैरानगी हो रही थी कि यार मैं इतनी जल्दी कैसे सो सकती हूँ, तो खैर मैं सो गई थी। उसके बाद आज हुआ नया दिन का नया आकाश, तो आज मैं जो भी करने लगूंगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तकरीबन तो सब कुछ हो ही चुका है, आज मैं क्या बनाऊंगी ये आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। कल की मेरा व्लॉग इसी व्लॉग में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? ओके जी। A few moments later. First, ये देख सकते हैं आप, आलू गोश्त की बनाई हो रही है। अभी आलू नहीं डाले, ये इसकी अच्छी सी बनाई हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी, उसके बाद इसमें डालूँगी मैं आलू। तो आज हमारी चली गई है लाइट, घर में हो रहा है काफ़ी अंधेरा और मैंने सारी सफाई कर ली है। शाम की बज गए 5, तो बस थोड़ा सा मसला हो गया लाइट की वजह से, बाकी की रूटीन और इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई ना आप लोगों से। तो बस इसके अंदर अब आलू डालना रह गया है। आज पता नहीं क्या हो गया, लाइट क्यों चली गई है। आज मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से हमारी लाइट नहीं गई, तो जैसे ही सोचा और थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। तो अब मैं फ्रेश होंगी, फ्रेश होने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। और कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये। गुड इवनिंग व्यूअर्स, सो शाम के बज गए 6 और रोज़ की तरह हो गई मैं अपने हस्बैंड के लिए तैयार। आज मैंने की है अपनी हेयर स्टाइल चेंज, साइड पोनी की है और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है लाइटें। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं मज़ेदार, कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर, और खाने पता चलेगा कैसा है ये। और साथ मैंने चढ़ा दी शाम की चाय, आप हस्बैंड आएंगे तो बताएंगे। बना है आलू गोश्त, मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है और पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे इतने पिंपल्स निकल रहे हैं। गर्मी की वजह है क्या नहीं है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। और चलें बाहर देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, लाइटें ऑन कर देते हैं भाई। ये देखेंगे रात तो हो, सॉरी कल मैंने कपड़े धोए थे सारे और बाकी के उठा लिए हैं जो सूख गए थे, बस ये थोड़े से रह गए मतलब हीले होते तो नहीं उठाए। तो बाहर का मौसम तो बस नॉर्मल ही है, आज थोड़ा मौसम ठीक हुआ है वरना कुछ दिनों से बहुत गर्मी थी। मेरा एक काम तो रह गया, वो तो मैंने किया ही नहीं, मैं रोज़ डेली जलाती हूँ अपने घर में अगरबत्ती। चूल्हे से ही जला लेती हूँ, मैं रोज़ डेली लगाती हूँ अपने घर में अगरबत्ती, मुझे है ना अच्छी लगती है, मतलब खुशबू अच्छी लगती है कि घर में ना लाइट सी खुशबू आए। यहाँ लगा देती हूँ। तो जी बस अब हस्बैंड का आने का टाइम हो चुका है, चाय बन जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ले आई हूँ अपनी चाय, ये चाय, चाय के साथ है आज केक और बाकर खानी साथ। तो अजानों का वक्त हो रहा है, अजान के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। One hour later. तो जी हो गई है मैं रात के खाने की तैयारी, सामान गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने और साथ सलाद भी बना दिया, रोटियां भी बन गई हैं। ये अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर मैं निकालूंगी, खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। A few moments later. जी हमने खाना खा लिया है, रात के बज गए हैं 9 और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। कल मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।